आपसे तो सर राज्यसभा और संसद में जो चल रहा है मसला उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा, कि क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं जांच करा ही लूंगा, हैं तुम ज्यादा ना बोलो। वो तमाम कविताएं पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं कि आपको यकीन नहीं आपके नीचे जमीन नहीं है ना, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। यहाँ तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि मत कहो आकाश में अंधेरा है कोहरा है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य इधर कि अगर वास्तव में इसमें कुछ नहीं है, अगर हिंडनबर्ग वास्तव में घिर रहा है, अगर हिंडनबर्ग ने वास्तव में साजिशन ये काम किया है, तो मोदी जी को क्या समस्या है? वो तो कहते हैं ताल ठोक करके, सच है मैं सच की राह पे चलता हूं, जिनके ऊपर भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिन पर भी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, वो सब चोर हैं। तो भाई अगर नहीं चोर हैं तो यहां भी करा लीजिए, दिक्कत क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्राइमरली ये लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है। देखिए, अब 2 दिन तक जो पार्लियामेंट में हुआ, तो वो मुझे अब पॉलिटिकल क्राइसिस समझ में आने लग गई है। ए फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरशैडोड बाय द पॉलिटिकल क्राइसिस आर बैक्ड बाय द पॉलिटिकल क्राइसिस। और देखिए, हर बात के लिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि चलो हटो, हम ही शासन कर लेते हैं, जो हर काम हम ही को करना है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हिंडनबर्ग अमेरिका में है, यहाँ की सरकार मान ही नहीं रही कि कुछ हो रहा है। आप ये भी देखे ना, दी कल्प्रिट इज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कोई कल्प्रिट है या ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है? तो अब सवाल है कि जो अदालत में मुलजिम ही नहीं है, तो जज साहब कौन सा आदेश दे दें? क्योंकि चार्जशीट तो गवर्नमेंट का वकील ही फाइल करता ना कि ये है, हुजूर इस पर निर्णय दे दीजिए। और ये जो पीआईएल के गेम हम लोगों के यहाँ है, वो बड़े गंदे हैं। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर खेल क्या है। जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, तो उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक खेल होता है। मैं भी बहुत नहीं ज्यादा जानता हूं, लेकिन मुझे मालूम कि हाँ, फ्यूचर कि फला तारीख को वायदा बाजार जिसको कहते हैं, कि फला हाँ, तारीख जो को भी मैं इतने शेयर की भाव से मार्केट में बेचूंगा। ट्रेडिंग में नहीं है वो कहां से जानेगा सर? बात तो सही है, शेयर नहीं समझ में आता इसीलिए कोई उधर जाता नहीं। हाँ, अब आप देखिए, 2-3 समस्याएं क्या है कि अगर कोई कंप्लेंट है, तो हम किसी न किसी जगह जाकर के शिकायत करेंगे। तो दरोगा से करेंगे, दरोगा से नहीं करेंगे तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम से करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट से करेंगे, या गवर्नमेंट से कहेंगे कि भाई ये बड़ा गलत हो रहा है। और इसके रिपरकशन देखिए आगे बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि जिस ढंग से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, ये आपका एफडीआई वगैरह आना सब बंद होगा, और वो सारा खेल भी विदेश के ही लिए है। तो अब देखिए देखिए, 2 दिन जैसे पार्लियामेंट में हुआ, तो कोई भी देश अपनी सरकार से पूछ सकता है कि भाई ये सिचुएशन आ रही है और एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था का इसका असर पड़ेगा, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। उसने कहा ही नहीं, उसने आपकी बात को सुनने के बजाय कान में रुई लगा दी। अब आप चिल्लाते रहे, वो कह रहे हम नहीं सुनते। ठीक, अब वो ये बता रही है सरकार हमारी, शोर शराबे और तालियों के बीच, कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हम आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते। मैं इसलिए कह रहा, पॉलिटिकल क्राइसिस अब ज्यादा हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस तो जब होगी होगी। लेकिन अडानी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका मान लीजिए अब उसका आधे तक तो शेयर आ ही गया, जब आधे के नीचे तेजी से भागेगा तो समस्या ज्यादा तेज होगी। और हमने इसी देश पे देखा है, मुझे याद है सत्यम कंपनी का एक दिन शेयर गिर रहा था, तो पता है कैसे था, 5 रुपए या 10 रुपए तक चला गया, बट सेम बिल्कुल डे ट्रेड बिल्कुल, हो गया, क्योंकि एक अनिल लोकल। अंबानी की हालत वही हुई थी सर,
अनिल अंबानी की हालत वही हुई थी, 10 रुपए से हाँ नीचे जब 8 रुपए पे आ गया था। रिलायंस पावर लाए थे तो यही स्थिति हुई थी। आज हमने देखा फिर गिर गए। अच्छा ये खेल इसलिए चलेगा कि देखिए अभी पिछली तिमाहियों के रिजल्ट आ रहे हैं, तो पिछली तिमाहियों में तो अपना जो प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तब ये क्राइसिस तो आई नहीं थे सामने। ये तो अब जब नए नए, और अभी आलोक जी ने चूंकि स्पष्ट किया कि वो सेलिंग भी जो है विदेश में होनी, मोस्टली बॉन्ड्स वालों की सेलिंग होगी, और सारी इंटरनेशनल जो क्रेडिट एजेंसी जो पहले ही से लग गई जांच करने, क्योंकि मतलब इसमें क्या खेल है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। अब हमको देखना ये है कि हम ये जो शेयर मार्केट है इसमें जो अरबों रुपए छोटे इन्वेस्टर का डूब गया है, जिसको कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर, उसकी अभी हम सूद नहीं ले रहे हैं। भाई जो छोटा आदमी था, अगर मान लीजिए 4,000 के उसने 5 ही शेयर ले लिए थे 20,000 रुपए में, क्योंकि वहां 1 शेयर भी आप खरीद सकते हैं, और उसके दाम उसके 20,000 से 10,000 रह गए, तो वो तो बहुत बड़े लॉस में हो गए। आप अडानी जी के ही लॉस को क्यों गिनना है, या जिसने 100 शेयर लिए उसकी कीमत 50 हो गई। अच्छा अब वो निकल पाने की स्थिति में नहीं है। आप इसको ऐसे समझो कि जो एफपीओ कैंसिल किया गया, मैं एज जितना मैं समझता हूँ मार्केट का, उसका सीधा एक कारण था कि जब अडानी ने देखा कि हमने अपने दोस्तों से पैसा लगवा तो दिया, अब पैसा किसी भी कारण लगा हो, लेकिन दूसरे ही दिन वो पैसा आधा हो गया, तो देना तो हमें पड़ेगा ना भाई। वो कोई पॉलिटिकल नेता पैसा नहीं दे देगा। अगर उसको रिलायंस ने लगाया या जिसने लगाया है तो पैसा तो इन्हें देना पड़ेगा, और कल फिर मान लीजिए गिर जाए तो उनको लगा सबसे अच्छा है कि हम ये खेल खेलते ही नहीं है, तो पैसा बच गया। और अभी भी मार्केट में एक बड़ा खेल हो रहा है, इसीलिए मैं चाहता था आलोक जोशी होते तो अच्छा होता, जो मेरे समझ में आ रहा है कि पैसा पंप इन करके मार्केट को स्टेबल रखने की कोशिश की जा रही है, वरना जितनी बड़ी क्राइसिस है और जिस ढंग से शेयर अडानी ग्रुप के गिर रहे, कल बढ़े थे आज फिर गिरे, उसमें मार्केट में जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसे बहुत बड़ा मतलब लॉस दिखना चाहिए था, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, क्योंकि छोटे जो शेयर मार्केट के बारे में कहा जाता है कि अगर जुखाम हो जाए तो उससे प्रभावित हो जाए, धूप नहीं निकली तो सटूरिया हिसाब लगा लेता कि नहीं कुछ गड़बड़, मार्केट गिर जाती, वो 1,000 1,000 पॉइंट तक गिर जाती, यहाँ वो 20 पॉइंट बढ़ती, 50 पॉइंट, तो ये मेरे मन में सस्पिशन क्रिएट करता है कि अभी भी मनी पंपिंग करके इसको बेटा जाए, इसको करवाकर इसको पंपिंग करके पैसा जा रहा उस मार्केट में। तो जब सरकार ये मान ही नहीं रही कि कोई क्राइसिस है, तब ये क्राइसिस और ज्यादा है कि ये शेयर मार्केट किस ढंग से रिएक्ट करेगी। ठीक बात कल ये जब अडानी के बॉन्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में है, अगर वो और गिरेंगे, उनकी यील्ड लगातार गिर रही है, तब हमारे इंडियन मार्केट पर क्या असर होगा, और हमारे पास कोई पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा जो हमारी कष्ट को सुनने को तैयार नहीं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में अगर हम सुप्रीम कोर्ट से आशा रखे हैं कि वो चंद्रचूड़ साहब कहें कि नहीं, आप पूरा काम ले आओ हमारे पास, हम अब सब काम छोड़ करके यही सब ठीक कह देते हैं। लेकिन पेगासस के मुद्दे पर क्या था, हम लोगों को ये उम्मीद थी कि टोटल वहां एक कमेटी बनाई गई, गवर्नमेंट ने उसको रिस्पॉन्ड करने से मना कर दिया। यहां भी मान लीजिए एक कमेटी बना दे तो सरकार एक रिपोर्ट दे देगी कि नहीं साहब हमको उससे कोई मतलब नहीं, तो सेबी का मामला, सेबी को बुलाइए, सेबी वो तो कह कहेगी ही कि दिया मेरे सर, पास तो निर्मला सीतारमण रमन ने तो साफ साफ कहा है कि ये कंपनी का मामला है, इसका देश से कोई सरोकार नहीं। वही कह रहे ना, तो सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस देगी तो फिर एक नोटिस हो सेबी के, सेबी कहे कि हमारे पास कोई कंप्लेनेंट है ही नहीं, और सेबी ने इतना कह के पल्ला झाड़ लिया कि हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हैं और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो देखेंगे।
तो हम बिल्कुल आग से खेल रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था, सिंपली बिकॉज ऑफ यही पॉलिटिकल बात क्राइसिस इन द कंट्री। तो हमें ये देखना कि ये अब इकोनॉमिक से ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई है और इसके बहुत ज्यादा दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और हो सकता है कि अब 23 से लेके 24 तक ये मामला जल्दी थमने वाला नहीं है। और जो मार्केट का जो मामला है वो तो कहिए वो एक चौथाई पर रेट चले जाए, उससे भी नीचे हो जाए, उसको किसी के नियंत्रण में नहीं है। कई लाख करोड़ रुपए रोड लगता, कोई नहीं लगाएगा, वो अडानी साहब खुद भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये सीमा के बाद किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि पूरे मार्केट को कवर कर ले। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।